तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग आए पहुंचोगे गाइस आज किस वीडियो में। यहाँ एयरलाइन से दोस्तों यहाँ पे जो बहुत बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे इसकी वेबसाइट यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज की यहाँ पे डिटेल दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोकेशन पर यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज जो निकल के आ गई हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे चेन्नई, बेंगलुरु हैदराबाद, गुड़गांव, यहाँ पे विशाखापट्टनम इंडिया दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज जो निकल के आ चुकी हैं अलग अलग लोकेशन पर। दोस्तों अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आपको 100% यहाँ पे जॉब मिलेगी। अर्जेंट हेयरिंग यहाँ पे चल रही है दोस्तों। कोई भी शुल्क आपको यहाँ पे देने की हो सकता नहीं, फ्री में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन में कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारी वैकेंसीज दोस्तों अलग अलग लोकेशन पर, और भी यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों हैं, ताकि और भी लोकेशन पर यहाँ पे आप लोगों को बताएं। तो 2 नंबर पर यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों 2 नंबर पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो 2 नंबर में यहाँ पे देख पा रहे बेंगलुरु कोलकाता है, और यहाँ पे चेन्नई है, जयपुर के लिए, दिल्ली के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दिल्ली पर यहाँ पे टिक करके दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम ये वैकेंसी जो है जयपुर के लिए आवेदन करने वाले ऑफिसर कार्गो की दोस्तों, इस पर हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं जो कि लोकेशन में जयपुर है। जी हाँ दोस्तों, सिंपली इस पर हम यहाँ पे क्लिक कर लिए हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको करना है क्या दोस्तों, इसकी पूरा डिस्क्रिप्शन ओपन हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली रीड कर सकते हैं। लोकेशन जयपुर, यहाँ पे देख पा रहे हैं राजस्थान, और यहाँ पे पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है दोस्तों। आप लोग कैसे यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा कुछ यहाँ पे दिया है, तो आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई ऊपर क्लिक करते हो, फॉर्म को फिलअप करके दिखाते हैं दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, मैंने अप्लाई ऊपर क्लिक किया दोस्तों, साइड में यहाँ पे राइट साइड में आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों इसको रजिस्टर करना होगा अपनी मेल आईडी से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करना है क्या दोस्तों, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पर इसे सिंपली दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख पा रहे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको करना है कि अपनी मेल आईडी को भी आपको जो भी लॉगिन आपके फ़ोन में अपनी मेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे, फिर से आपको यहाँ पे वही मेल आईडी लिखनी, फिर चूज पासवर्ड, 8 अंक का कोई भी पासवर्ड अपना यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों, रिटाइप पासवर्ड अपना, वही फिर से आपको यहाँ पे फिलअप करना है अपनी। फिर दोस्तों अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखने के बाद कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, फोन नंबर अपना लिख देना है, यहाँ पे कंट्री रीजन दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको टिक करके दोस्तों सारे बॉक्स से आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर देना है, जो कि मैंने पहले यहाँ पे अपनी रजिस्टर कर चुके हैं दोस्तों। सिंपली दोस्तों अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन हो लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं अपनी मेल आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लिए हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से आप भी यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका फॉर्म जो है फिलअप करने का यहाँ पे जो ओपन हो गया है। तो फॉर्म को कैसे फिलअप करना, चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस जॉब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाके दोस्तों सिंपली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं रिज्यूम, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्म अपलोड फॉर्म डिवाइस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, यहीं से दोस्तों अपना जो है रिज्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ साइज में। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कवर लेटर मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं, फिर अपना पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे दोस्तों। फिर से आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों अपना पैन कार्ड अपलोड कर सकते, फिर अपना आधार कार्ड दोस्तों अपलोड करना है, फिर रजिस्ट्रेशन लेटर इसको मैंडेटरी नहीं छोड़ सकते हैं, फिर इसको भी जो भी स्टार दोस्तों जिस पर लगे हैं वही आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, बाकी यहाँ पे छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फिर से आपको आ जाना है यहाँ पे प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, फिर आपका लास्ट नेम पहले से दिख जाएगा, सिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, पोस्टल कोड लेनी है, अपना पिन कोड दोस्तों आपको लिख देना है, मोबाइल नंबर आपको पहले से यहाँ पे दिखनेगा, और यहाँ पे कंट्री कोड में दोस्तों आपको आ जाना है, कंट्री कोड में अपना यहाँ पे जो भी आपका इंडिया का कोड है कोड यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलअप करने का दोस्तों आपको मेल आईडी आपको पहले से देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं जेंडर में मेल फीमेल, जो भी डिसेबिलिटी स्टेटस दोस्तों, मैरिटल स्टेटस बहुत ही इजी दोस्तों, आप लोग सिंपली यहाँ पे जो है फिलअप कर सकते हैं। नेशनलिटी में दोस्तों आपको इंडियन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर वर्क एक्सपीरियंस में आ जाएगा, इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना, एड पे क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ पे कहीं कंपनी में काम कर चुके हैं दोस्तों कहीं पर, तो इसका एक्सपीरियंस यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे। फिर दोस्तों आ जाना आपको फॉर्मल एजुकेशन में। फॉर्मल एजुकेशन में आपको यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन की यहाँ पे मांग दोस्तों है, अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे देनी। जैसा कि यहाँ पे देखिए एजुकेशन टाइप में दोस्तों बीए जो भी आपने यहाँ पे कर रखा है दोस्तों अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों है। फिर दोस्तों आपको आ जाना है लैंग्वेज स्किल में।
लैंग्वेज स्किल में दोस्तों आपको एड पर क्लिक करके आपको हिंदी के लिए जो भी लैंग्वेज आती है अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं लैंग्वेज वेरिएंट है स्पीकिंग, अगर आप हिंदी बोल सकते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश जो भी आप बोल सकते हैं तो आपको यहाँ पे नो में जॉब दे देने। फिर आपको यहाँ पे ग्राफिक मोबिलिटी दोस्तों इसको मैंडेटरी नहीं, पर्सनल अचीवमेंट इसको भी मैंडेटरी नहीं, रिलेटिव वर्किंग छोड़ सकते हैं दोस्तों, बाकी यहाँ पे छोड़ सकते हैं जो भी मैंडेटरी है दोस्तों फिलअप कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे सारा कुछ यहाँ पे फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है व्यू प्रोफाइल पर। व्यू प्रोफाइल जैसे ही करेंगे दोस्तों तो आपका जो भी आपने फिलअप किया होगा डेटा दोस्तों अपना यहाँ पे देख सकते हैं, आपको चेक कर लेना सही है कि नहीं सही है। तो अगर आपको ऐसा कुछ गलत लगता है तो आपको यहाँ पे फिर से एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सारा कुछ यहाँ पे जो है चेक करके आपको सेव कर देना। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जी हाँ दोस्तों, होता है क्या बहुत सारे लोग यहाँ पे सबसे पहले ही अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई पहले नहीं कीजिएगा, पहले सेव कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा इस इंडिगो एयरलाइन के लिए। तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा दोस्तों, मेल के थ्रू आपको कॉल भी आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जैसे आपका इंटरव्यू हो जाता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।